अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी सिंपल सी चाय, जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। स्टीम्ड चाय, दम वाली चाय, कम दूध वाली चाय, ये बनती कैसे है? दूध पत्ती, हम तो दूध पत्ती पीते हैं, थोड़े से दूध के साथ चाय कैसे बनती है, सब कुछ मैं आप लोगों को बना के दिखाने लगी हूँ। ये है एक पतीली, रख दी चूल्हे पे, आग मैंने पहले से जला ली थी। ऑल्दो मेरे कैमरामैन और मेरे दोस्तों का ख्याल है, आग लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, वो मैं पहले लगाती रहती हूँ, लेकिन चलो ये तो मजाक हो गया। सो पतीली उस पे रख के उसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया। इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि जल्दी उबाला आ जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जब कैमरे की लाइट पड़ती है तो वो गर्मी मज़ीद हो जाती है। तो इससे पहले मैं पूरी बह जाऊँ और मेरा मेकअप उतरे और आप लोगों को डर लगे, बेहतर है कि मैं ज़रा आग तेज़ करके जल्दी चाय बना दूँ। जी जनाब, पानी उबल गया, अब हम इसमें डालेंगे पत्ती। चूंकि मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून पत्ती। जी जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्ती की खुशबू, देख नहीं सकते, मतलब पता चल गया होगा कि उबाला आ गया और पत्ती की खुशबू मुझे आ रही है। आई एम सो सॉरी, मैंने कहा आप देख सकते हैं, आपको आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ समझ सकते हैं कि पत्ती की खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई। अब इसमें डाइजेशन के लिए, क्योंकि सौंफ डाइजेशन के लिए बेहतर होती है, तो हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। सौंफ जैसा कि हम जानते हैं डाइजेशन के लिए और हाजमे के लिए बहुत बेहतर है, ब्लॉटिंग होने से रोकती है, गैस का जिन लोगों को मसला है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ी सी सौंफ डाल के अब मैं इसमें दूध शामिल कर देने लगी हूँ। ये देख लें ज़रा, ये तो दिखाना बहुत ज़रूरी है कि दूध इतना सा कावा हो चुका है तैयार। इसमें अब ये देख लें, एहतियात से इतना सा दूध शामिल करना है, इतने कप, इतने मग चाय के लिए इतना सा दूध होगा, 1/8 कप से भी शायद थोड़ा सा कम है दूध जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब उबलते हुए कहवे में आहिस्ता आहिस्ता मैं दूध शामिल कर दूँ। ये देखिए इतना सा दूध है, क्या मुश्किल है इस चाय को बनाने में, मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेकिन जाहिर है मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता सीखा था, मैंने भी अपने सीनियर से ही सीखा, मुझे भी शुरू से नहीं थी आती चाय बनानी, घर से नहीं थी आती, इवन बुक्स में भी नहीं था पता चला पढ़ के कि इसमें कैलोरी ज़्यादा होगी, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं थी काम की कि दूध पत्ती नहीं पीनी, सीनियर से सीखा कि चाय अगर आप दूध पत्ती पीते हो उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, तो ऐसा हिस्सा आप भी सीखते हैं। तो जनाब उबाला आ रहा है और मेरा अभी से चाय पीने को दिल कर रहा है, मुँह में मैंने सौंफ डाल लिया, मुझे बड़ी बुरी आदत है सौंफ चबाती रहती हूँ चबाती रहती हूँ। चाय का एक उबाला, पहला उबाला आ गया, दूसरा उबाला आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा उबाला भी आ गया और फिर मैं इसको ढक के रख रही हूँ। तीसरा, तीन उबाले हम दिलवाएंगे इसको, तीन उबाले आ गए, अब हम इसको स्ट्रेन करके मेरे मग में डाल देंगे। मैंने पत्ती ज़्यादा डाली है, मैं पत्ती तेज़ पीती हूँ, चाय का असल ये रंग होना चाहिए। अगर आप कहते हैं हमारी चाय के बगैर आँखें नहीं खुलती तो ये वाली चाय पियो, उसको बहुत ज़्यादा थिक चाय बना के सिर्फ उसमें कैलोरीज ऐड करके, वो कौन सी है? चाय का काम है आपको जगाना, चाय को शरबत बना के नहीं पीना, ये है चाय, यह अब आपको जगा के रखेगी। चाय को शरबत के तौर पे या कंफर्ट फूड के तौर पे हरगिज नहीं लेना, इंतहाई खोखली चीज़ है। मैं इसकी आग बंद कर दूँ और मैं इसको स्ट्रेन करने लगी हूँ। और जनाब ये जो चाय सूखी है ये हमारी आपसी लड़ाइयों की वजह से सूखी है, इसको आप इग्नोर कर दें, चाय मेरी तैयार है। अक्सर लोग जब उनका वेट स्टक हो जाता है और वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ कि अपनी जो खाना है उसकी तस्वीर मुझे भेजनी है ताकि मैं देखूँ गलती वो कहाँ पर रही है, तो गलती निकलती है यहाँ पर, चाय जो है उसमें दूध बहुत ज़्यादा होता है। ये है चाय का असल रंग, ऐसे ही चाय पीनी है, ऐसे ही चाय बनानी है। एंड अगर आप इस तरह से चाय इस्तेमाल करते हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा तो वो वेट गेन नहीं कराएगी। शुक्रिया।